He gave me two informations I had been waiting for the previous 2 months. यहाँ पे दो दो बार फोर हो गया है, प्रिंटिंग एंड मिसप्रिंटिंग होगा, इसमें से हटा दिया. ओके, ही गेव मी टू इंफॉर्मेशन. आप समझ लीजिए इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल. इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना होता है, इसका अनकाउंटेबल है. ये हमेशा क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, इसका प्लुरल होता ही नहीं है. और चूंकि यह हमेशा सिंगुलर होता है तो, लेकिन हमें तो टू दिया हुआ है, तो या तो टू इंफॉर्मेशन करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा. तो हमें करना क्या पड़ेगा, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. देखो एक दो बातें हैं जो आप जान लीजिए. हम जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाते हैं तो उसमें एक अलग से इकाई जोड़ते हैं. जैसे वाटर, हम जानते हैं वाटर तो अनकाउंटेबल है, लेकिन इसको भी हम काउंटेबल बना सकते हैं. कैसे, एक ग्लास ऑफ वाटर. अब देखा, आपने देखा इंफॉर्मेशन यहां दिया हुआ था, इंफॉर्मेशन में पीस लगाया हमने. वाटर के लिए क्या लगा दिया, ग्लास लगा दिया. तो हमारे साथ मजबूरी यहां पे पीस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ टू दिया हुआ है. ये चाह रहा है कि दो, प्लुरल का बोध कराने के लिए. तो प्लुरल का बोध कराने के लिए क्या उपाय है, इंफॉर्मेशन का तो इंफॉर्मेशन होता नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पीस लगाना पड़ेगा. हाँ, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा एक लेसन, वर्डोलॉजी का लेसन है. उसमें किस वर्ड के साथ कौन सा लगता है, ये पूरा हमने डिटेल्स दिया हुआ है. तो यू कैन वॉच दैट.